आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। यहाँ तक हमने काफी सारा नॉलेज लिया था, जैसे कि कॉलेज सिलेबस, एक्सेल ट्यूटोरियल, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट और भी कुछ काफी सारे टेक्निकल नॉलेज हमने लिए। ये भी सारा नॉलेज आगे कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन यहाँ से हम आज कुछ एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज और भी कुछ ऐसे स्टोरीज जिसके जरिए आपको काफी सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। काफी सारी स्टोरीज इसके अंदर ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हो गए, जैसे कि कोई सत्य घटना या फिर किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो सुनकर आप इंस्पायर हो सकते। समय बर्बाद नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं कि हमने आज इसमें क्या सीखना है। दोस्तों एक लाइन मैंने पढ़ी थी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपके सामने, अप्स एंड डाउन इन द लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ईसीजी मीन्स वी आर नॉट अलाइव। जैसे कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत जरूरी है, जिससे हम काफी कुछ सीखते हैं। हमारे लाइफ में काफी सारे ऐसे फेलियर्स भी आते हैं जिनसे हमें सीखने मिलता है, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स हमारे जिंदगी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर एक अप्स एंड डाउन्स हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ भी फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जिंदगी में हुए फेलियर को, जिंदगी में आए हुए दुखों को भी पॉजिटिवली जो लेते वो इंसान सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, और उसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आज हम वीडियो के जरिए लर्न करेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंस्पिरेशनल और काफी मोटिवेशनल थॉट, स्टोरीज, एग्जांपल्स आपको सुनने मिलेंगे इसी वीडियो में। द ग्रेट रतन टाटा, दोस्तों इन्होंने ये थॉट लिखा था कि जिस तरह से काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, ईसीजी मशीन में अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो इंसान मर गया। सो दोस्तों अप्स एंड डाउन्स बहुत जरूरी है जिंदगी में, जिससे हम सीखते हैं काफी सारी चीज। सो ऐसे इंसान की स्टोरी आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं, इस वीडियो में लर्न करेंगे कि जो हर एक निगेटिव थॉट को भी पॉजिटिवली लेते हैं, हर एक निगेटिव मोमेंट को भी जिंदगी में पॉजिटिवली लेकर उसके अंदर भी सक्सेस ढूंढ निकालते हैं। थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि रतन टाटा जो है उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ, 28 दिसंबर 1937। पिता का नाम नवल टाटा, माता का नाम सोनू टाटा। गुजरात में उनका जन्म हुआ और सन 2000 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। पद्म विभूषण उन्हें 2008 में मिला। तो ऐसे शख्स की जानकारी हम इस वीडियो में आज लेंगे। तो चलो पहले किस्से की ओर बढ़ते, पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते। एक दिन रतन टाटा जी अपने बिजनेस सहकारियों के साथ नासिक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और जाते जाते बीच रास्ते में ही उनके जो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का टायर ठीक होने तक उनके साथ जो सहकारी आए थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आगे की सामने के ढाबे पे बैठे और कुछ स्नैक्स जो है वो ले। इतना कह के वो सामने ढाबे की ओर निकल पड़े। थोड़े समय के बाद उन्हें पता चला कि अपने साथ रतन टाटा जी नहीं है। उन्हें वे ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि रतन टाटा जी ड्राइवर के साथ खुद उस गाड़ी का पहिया ठीक कर रहे थे। सभी ने कहा कि आप मालिक होकर भी ड्राइवर के साथ इस तरह से काम कर रहे? तो उन्होंने क्या कहा, अगर कोई एक बंदा एक काम 15 मिनट में कर रहा है, सो मैं भी अगर उसके साथ लग जाऊं तो वो काम 7.5 मिनट में होगा और मेरे 7.5 मिनट बच जाए। तो दोस्तों किस तरह से उन्होंने एक बात कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उनका एक थॉट है, लीडरशिप इज नॉट अ पोजिशन, इट्स एक्शन। लीडरशिप कोई पोजिशन नहीं है कि हम हाँ मैं लीडर हूँ, मैं इस तरह से सबको ऑर्डर देता फिरूंगा। ये हमें एक्शन करनी है। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो तब आती है जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं, और ये रतन टाटा जी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। सबके साथ मिलकर उन्होंने काम किया तब जाके वो इतने सक्सेसफुल इंसान बने। एक छोटा सा किस्सा था लेकिन ये कितना मोटिवेशन देने वाला था। अगर कोई भी लीडर अपने जो टीम मेंबर्स है, जो भी अपने साथ काम करे, उनके साथ मिलकर अगर काम करेगा तो सबको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा लीडर हमारे साथ काम कर रहा है तो हम क्यों ना करें। तो दोस्तों ऐसे थे रतन टाटा जी। चलो कुछ और किस्से सुनते हैं इनके लाइफ के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टाटा मोटर्स का कितना सक्सेस इस मार्केट में झलक रहा है। चलिए बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा जी ने अपनी सफलता से दिया। बात करते उस समय की जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी।
टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा के कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा जी को दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ा था। वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड के पास चले गए। फोर्ड जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, फोर्ड के पास चले गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उसके साझेदारों की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड, इन्होंने रतन टाटा को बातों ही बातों में कह दिया कि जब तुम्हें बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। दोस्तों सीधे सीधे इंसल्ट कर दी रतन टाटा जी की उन्होंने कि अगर आपको बिजनेस करने में नॉलेज नहीं है, बिजनेस का नॉलेज नहीं, तो आपने क्यों इन्वेस्ट किया इतना पैसा। हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान करें। देखो किस तरह से किस उस फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा को ये भी बात कर दी कि तुम्हारी कंपनी को खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। दोस्तों ये जो लाइन है ये आप गौर से सुनिएगा, हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा जी के दिल पर लगी। रतन टाटा रातों रात पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई आ गए। फोर्ड की बात रतन टाटा के दिल पर लगी और रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दिया। दोस्तों इसी को बोलते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन। देखो कोई बात है अगर किसी ने कही है उसको पॉजिटिवली लेना है। किसी से अगर किसी ने हमारी कुछ इंसल्ट भी कर दी है तो उसको पॉजिटिवली लेकर उसके ऊपर काम शुरू करना। कोई अगर हमारे फेलियर के बारे में इंसल्ट करता है तो उसको बताना कि हम सक्सेसफुल बन के दिखाएंगे। और उसी के बाद देखते ही देखते जो टाटा मोटर्स है उसका जो बिजनेस ग्राफ है वो बढ़ता चला गया और बहुत फायदा हुआ। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी। सन 2008 में काफी नुकसान हुआ फोर्ड को और उसी समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी सीरीज जैसे कि आप जानते हो लैंड रोवर और जैगुआर सबकी पसंदीदा कार है। आज के युवाओं को ये बहुत कार पसंद है। ये जो कंपनीज है फोर्ड की, ये दो कंपनीज, इसके वजह से फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी। और उसी के बाद उन्होंने क्या किया, रतन टाटा जी ने क्या किया, उनके कंपनी को खरीदना चाहा। तो उस समय जब ये प्रस्ताव लेकर जब रतन टाटा जी फोर्ड के चेयरमैन के पास गए तो जो उन्होंने जो स्टेटमेंट पहले कहा था रतन टाटा जी को, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गौर कीजिए, स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले बोला था उसी स्टेटमेंट को अलग ढंग से दोहराया गया। क्या बोले विलियम क्ले फोर्ड, उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी खरीद कर आप मुझ पे एहसान कर रहे। ये तो आप बात जानते ही हो कि जैगुआर एंड लैंड रोवर ये दो कंपनीज टाटा ने खरीद ली थी। फोर्ड की ये जो दो कंपनीज है वो टाटा ने खरीद ली थी, तो इसके पीछे का ये राज था। और इसी के बाद जैगुआर एंड लैंड रोवर टाटा कंपनी का हिस्सा बने। उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, यही उनका उनकी महानता है। यही वो गुण है जो एक सफल और महान व्यक्ति का परिचय है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका अपमान का परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, न किसी के नकारात्मक कार्य में। तो ये जो थॉट है वो काफी अच्छा थॉट है। उन्होंने इस एग्जांपल के जरिए क्या थॉट दिया कि उनका अपमान हुआ था लेकिन अपमान का परिणाम जो है क्रोध होता है। हर समय हम हमारा अगर कोई इंसल्ट कर देता, अपमान कर देता, हम क्रोध में आ जाते, गुस्सा हो जाता, एंग्री हो जाते और उसके बाद हम क्या करते हैं, नकारात्मक चीज जो है वो कर लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आया। गुस्सा आना हर इंसान का बिहेवियर होता है, लेकिन उन्होंने गुस्से में क्या किया, उस जो एक वीक पॉइंट था उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया। तो ये होता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एग्जांपल, जो नामुमकिन था वो करके दिखाया और उस नामुमकिन को भी करके दिखाने के बाद उन्होंने और भी कुछ उसके साथ चीजें जोड़ दी। तो चलो अब बढ़ते हैं किसी अगले किस्से की ओर, किसी अगले एग्जांपल की ओर। दोस्तों आप सभी ये जानते हो कि रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई आपको पता है, सो ये एग्जांपल के जरिए आपको पता चल जाएगा। दोस्तों रतन टाटा जी के लाइफ में भी एक लड़की आई थी। अमेरिका की एक लड़की के साथ उनको प्यार हो गया था और उस लड़की को भी रतन टाटा जी से प्यार हो गया था। उन्होंने उस लड़की को शादी का वादा भी कर लिया था। दोस्तों उसी समय उनको इंडिया से फोन आया उनकी माँ का और उनको इंडिया आना पड़ा। और फिर उसी वक्त इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था और उसके कारण वो इंडिया से बाहर नहीं जा पाए। और उसी पीरियड के बीच
उस लड़की की शादी उनके घर वालों ने कर दी। दोस्तों उस लड़की की तो शादी हो गई, लेकिन रतन टाटा जी ने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को वादा किया था कि मैं आपसे ही शादी करूंगा, आपके अलावा किसी से नहीं। इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा जी ने एक बात कही कि मैं वादे का बहुत पक्का हूँ, अगर मैंने किसी को एक बार जबान दे दी तो वो जबान अटल होती है। उस लड़की से उन्होंने शादी का वादा तो किया था लेकिन शादी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया और उन्होंने जिंदगी भर वो कुंवारे रहे, किसी से शादी नहीं की। भले वो लड़की रतन टाटा जी से लॉयल नहीं रही, रतन टाटा जी नहीं आए तो उन्होंने किसी और से शादी कर ली, लेकिन रतन टाटा जी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। ये होती है लॉयल्टी। इंस्टाग्राम के ऊपर रतन टाटा जी के 1 मिलियन अबव फैन हो चुके थे। उस समय रतन टाटा जी ने सबको थैंकफुल करते हुए एक मैसेज डाला था। उस मैसेज के ऊपर एक लेडी का कमेंट आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन छोट। सो वो जो 1 मिलियन फॉलोअर है वो उस लड़की को, उस लेडी को कुछ ज्यादा नहीं लगे होंगे कि 1 मिलियन तो क्या है, कोई भी कर ले। और उस समय काफी सारे उस लड़की के ऊपर जिन्होंने उस जिस लेडी ने उस कमेंट को डाला था उनके ऊपर काफी सारे लोगों ने ट्वीट किया, उनके ऊपर काफी सारे लोगों ने कमेंट की। उसके इस कमेंट पर काफी सारे लोगों ने रिप्लाई दिया, काफी सारे बातें उनको सुननी पड़ी। और उन्हीं के बीच रतन टाटा जी ने एक रिप्लाई डाला, देर इज अ चाइल्ड इन ईच वन ऑफ अस, प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। और फिर ये जो कमेंट है वो पढ़कर सारे लोगों ने फिर से उस लड़की को ये बोला कि देखो ये है रतन टाटा, आपने उनको चिढ़ाया, टीज किया, फिर भी उन्होंने आपकी साइड लेकर आपको रिस्पेक्ट देना चाहा। तो देखो एक स्वीट सा एग्जाम्पल ये था कि जिस तरह से वो कितने रिस्पेक्टिवली किसी से भी पेश आते हैं। अगर कोई किसी ने उनकी इंसल्ट भी कर दी, किसी ने उनको टीज भी किया, फिर भी वो सभी से रिस्पेक्ट से बात करते। तो ये थे रतन टाटा जी। कितनी भी बातें उनके बारे में कहो बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है। इतना सारा उन्होंने अच्छा काम किया है, जिस तरह से आप जानते हो कितनी चैरिटी करते हो, जिस तरह से आप जानते हो कि कितनी चैरिटी उनके जरिए होती है, उनका जितना भी इनकम होता है, जितनी भी अर्निंग होती है, उसके 65% वो डोनेट करते हैं। 65% ऑफ द अर्निंग वो डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं। कोई भी बंदा इतना, कोई भी दुनिया में कितने भी रिचेस्ट पर्सन हो, कोई भी इतना डोनेट नहीं करता। सबसे ज्यादा डोनेशन, काफी सारे एग्जाम्पल्स है, जिस तरह से 2611 का अटैक हुआ था उस समय भी जितना भी नुकसान हुआ था ताज का, उसके अलावा जो भी ताज में जितने भी स्टाफ काम करते थे उनको, उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने हेल्प। दोस्तों सभी को याद होगा 26/11/2008 का अटैक, जो कि होटल ताज पर और मुंबई के काफी सारे जगहों पर अटैक हुआ था। और उस समय जो भी जितनी ज्यादा हेल्प लगे उतनी ज्यादा हेल्प उन्होंने की। ताज होटल के जितने भी स्टाफ है, जितने भी मेंबर्स है, जितने भी स्टाफ है, जो शहीद हुए हैं या फिर जो वहां पर काम कर रहे थे, जिनको उस दुर्घटना में आपत्ति पहुंची, हानि पहुंची है, उन सबको उन्होंने हेल्प की। दोस्तों फिलेंथ्रोपी, इस वर्ड को आप जानते होंगे, फिलेंथ्रोपी मतलब क्या, परोपकार करना, दूसरों की मदद करना। फिलेंथ्रोपी ये खुद है, फिलेंथ्रोपी जो वर्ड है वो अगर रतन टाटा जी को देखेंगे तो वो फिलेंथ्रोपी वर्ड हमें समझ में आएगा कि फिलेंथ्रोपी मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इतने मददगार, इतने उपकार करने वाले एक ही शख्स है जिंदगी में, जो कि रतन टाटा। अगर आप रतन टाटा जी के कंपनी में काम करते होगे, स्टाफ हो, सो यू आर सो लकी। काफी कुछ कहने के लिए रतन टाटा जी के बारे में, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करने के बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए नए नए वीडियोस जो है आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन दिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सक्सेसफुल डे।